आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर हम सबको फिर से प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। और आज का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर प्रचार में कहता हूं कि आज का प्रचार जो है, आज का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया है। परमेश्वर ने इस वचन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। और ये वचन जो है हम मसीहों के लिए एक ज्योति का काम करता है। ये वचन जो है हम मसीहों के लिए एक मार्ग में चलने के लिए हमें राह दिखाता है। और परमेश्वर का वचन हमें मजबूत बनाता है। तो आज का विषय जो है वो है रैप्चर। रैप्चर क्या है और रैप्चर कब होगा, इसके विषय में आज हम प्रचार सुनने जा रहे हैं। क्योंकि मसीहों के लिए इसको मसीहों की एक धन्य आशा कहा जाता है। रैप्चर को मसीहों की धन्य आशा कहा जाता है, जिसके विषय में हम आज परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। तो आज के प्रचार के हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसके पद 16 से लेकर 18 तक पढ़े, क्या लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस रैप्चर के विषय में हम प्रचार सुनने जा रहे हैं, रैप्चर वर्ड के बारे में पहले हम एक बार समझ लेते हैं। जो रैप्चर वर्ड है ये कहां से आया, क्योंकि आज जो रैप्चर वर्ड है कई कलीसियाओं में और कई स्कॉलर्स के बीच में एक विवाद का ये हिस्सा बना हुआ है। अब रैप्चर शब्द जो है, पहले जब हम इसको मूल ग्रीक बाइबल में जाकर पढ़ते हैं, न्यू टेस्टमेंट जो है उस ग्रीक बाइबल में लिखा हुआ है, और न्यू टेस्टमेंट में ग्रीक बाइबल में जो वर्ड यूज हुआ है वो है हरपाजो। हरपाजो वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब है उठा लिया जाएगा। और उसके बाद जब ग्रीक लैंग्वेज से ये बाइबल जो है लैटिन में ट्रांसफर हुई, तो वहां पे एक बड़ा सुंदर वर्ड है जो यूज हुआ, वो है रैपिमर। रैपिमर का मतलब भी होता है खींच लिया जाना। और लैटिन से फिर जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, वहां पर जो वर्ड यूज हुआ वो था रैप्चर, जिसका मतलब है उठा लिया जाना। आज बहुत से मसीह कहते हैं रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है, लेकिन बाइबल में ही ये ट्रांसलेशन दी गई है। ग्रीक से जब लैटिन में ट्रांसफर हुआ और लैटिन से जब उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, उठा लिया जाना या खींच लिया जाना। ये वर्ड जो है रैप्चर बाइबल में दिया गया है। और जिसके विषय में हमने वचन सुना, प्रेरित पौलुस जो था उससे भी कलीसिया ने पूछा होगा ये रैप्चर कब होगा, इसका समय कब है। तो पौलुस ने यहां पर बयान किया, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। स्वर्ग में प्रधान दूत ललकारेगा और उसके बाद तुर्री फूकी जाएगी, एक तुर्री फूकी जाएगी, और जैसे तुर्री फूकी जाएगी वैसे ही मसीह क्या करेगा, स्वर्ग से उतरेगा। वो स्वर्ग से उतरेगा, उसके बाद लिखा है जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। यानी जो प्रभु में सो चुके हैं, जो प्रभु में सो चुके हैं वो जी उठेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या बताता है पौलुस, कहता है तब जो हम जीवित बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। हालेलुया। पौलुस से भी पूछा गया रैप्चर कब होगा, रैप्चर कैसे होगा। तो पौलुस ने भी यहां पे इस पत्री के माध्यम से बताया कि रैप्चर होगा स्वर्ग में एक प्रधान दूत जो है ललकारेगा, उसके बाद तुर्री का शब्द होगा, और उसके बाद जो है जो मसीह में मर गए हैं यानी प्रभु में सो चुके हैं वो सब के सब जिंदा होंगे, और उसके बाद जो हम जो जिंदा हैं और बचे हुए हैं वो सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये वचन बताता है उठा लिए जाएंगे का अर्थ है रैप्चर। इस विषय में हमें समझने की जरूरत है कि रैप्चर जो है क्या ये बाइबल में यहीं पर इसका जिक्र है रैप्चर के विषय में, नहीं। इस रैप्चर की यानी उठा लिए जाने की, जिसको स्वर्गारोहण भी कहा जाता है, इसकी भविष्यवाणी प्राचीन काल से की गई है। इसके विषय में प्राचीन काल से ही भविष्यवाणी हो चुकी है, क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर ने 7 पर्व मनाने की आज्ञा दी थी,
सात पर्व मनाने की आज्ञा दी थी, उसमें तीसरा पर्व था, पहली उपज का पर्व। जो पहली उपज का पर्व था, इस उपज के पर्व के अंदर जो विधि थी वो रैप्चर की भविष्यवाणी थी। इसी पर्व की जो विधि थी, इसी के अंदर रैप्चर की भविष्यवाणी थी, जिसको इंग्लिश में द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट कहा जाता है। यानी पहली उपज का पर्व, सात पर्वों को जो मनाने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उन्हीं पर्वों में से जो तीसरा पर्व था, वो पर्व की जो विधि थी वो पूरी तौर से रैप्चर की भविष्यवाणी थी। अब वो क्या विधि थी? जब ये पर्व मनाने का समय आया करता था, जो इसराइल के लोगों को परमेश्वर ने और यहूदियों को जो ये आज्ञा दी थी इस पर्व को मनाने के लिए, जब ये पर्व मनाने का समय आया करता था, जो महायाजक होता था वो परमेश्वर के मंदिर से, उतर कर नीचे जाया करता था। परमेश्वर के मंदिर से उतर के अर्थ है, परमेश्वर का मंदिर जो है वहां पर पर्वत में परमेश्वर का मंदिर है, और वहां से वो उतर के नीचे जाया करता था, क्योंकि जो खेत हुआ करते थे वो नीचे जमीन पर हुआ करते थे। ध्यान पूर्वक इस वचन को सुने, इस बात को सुने, नहीं तो आप मिस कर जाओगे काफी चीजें। जो महायाजक होता था वो मंदिर से उतर कर नीचे जाया करता था खेत में। इस पर्व से पहले, पर्व के आने से पहले वो नीचे जाया करता था, उसके बाद वो क्या करता था, वो जाके खेत में घूमा करता था। और जो खेत में जब घूमा करता था, जो अच्छे पूले होते थे, जो पकने वाले होते थे, यानी जब खेत में वो जाता था, बहुत सारे पूले होते थे खेत के अंदर, जो पकने वाले पूले होते थे, जो जल्दी पक जाएंगे, वो देखा करता था, एक लाल रिबन लेके उस पूले को बांध दिया करता था, एक लाल रिबन से उसको बांध दिया करता था, उस पर निशान बना दिया करता था, ताकि जब वो पर्व का दिन आता था, फिर महायाजक उतरता था, वापस उसी खेत में जाता था, उस पूले को जड़ समेत उखाड़ता था, और वो परमेश्वर के मंदिर में जाके परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता था। ये पहली उपज का पर्व था, और जो इस बात की भविष्यवाणी था, क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या है, महायाजक है। मलकीसिदक की रीति पर वो महायाजक है, और वो जो है अब स्वर्ग से उतरेगा, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो स्वर्ग से उतरेगा, और जो पहली उपज है, उन पहली उपज को वो जड़ से उखाड़ेगा और परमेश्वर के भवन में, मंदिर में ले जाके अर्पण कर देगा। हालेलुया, इस रैप्चर की भविष्यवाणी उस महायाजक की विधि के अंदर ही हो चुकी थी, क्योंकि यही वो तरीका था, और वहीं पर प्राचीन काल में ही परमेश्वर ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। क्योंकि एक वचन पढ़े मेरे लिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसके पद 23 में क्या लिखा है, यह वचन में लिखा है, पौलुस ने भी इस विषय में बताया, परंतु हर एक अपनी बारी में से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यानी पहला जो फल था वो पहला फल मसीह था, उसके बाद कौन है, उसके लोग, जो हम लोग हैं वो उसके लोग हैं, जिसको पहला फल कहा गया है। और इसी बात को प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को क्लियर किया कि वो पहला फल कौन है, पहला फल वो मसीह है, उसके बाद हम उसके लोग हैं। और ऐसे ही परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह, वो परमेश्वर के मंदिर से, स्वर्ग से उतरेगा, और उसके बाद जो पके हुए उसके पूले हैं, यानी सच्चे मसीह, सबसे पहले सच्चे मसीह उठाए जाएंगे। जो सच्चे मसीह होंगे, जो पूरी तौर से अपने जीवन को पवित्रताई में जिन्होंने तैयार किया होगा, उनको वो लेगा और जड़ से उखाड़ के लेके जाएगा। यानी जो कब्रिस्तान होंगे, कब्रिस्तान में जो कंकाल उनके होंगे, वो भी नहीं बचेंगे, वो कब्रों में से निकल जाएंगे और वो जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, वो कब्रों में से निकलेंगे और वो जिंदा हो जाएंगे। उसके बाद जो जिंदा और बचे हुए लोग हैं वो सब स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। और ये कब होगा? वो जब होगा जब इस संसार में सब कुछ हाहाकार मच रहा होगा, इस संसार में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। यहाँ की इस दुनिया की गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी कुछ भी, इस दुनिया की गवर्नमेंट के हाथ से भी सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि इस दुनिया की गवर्नमेंट बनने जा रही है, इस दुनिया की करेंसी बनने जा रही है, और वो सब कुछ होगा, और वो सब कुछ उनके आपे से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस दुनिया की गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और वो हैरान हो जाएंगे, ये क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, करोड़ों लोग पल भर में गायब हो जाएंगे, पल भर में, सेकंड्स में गायब हो जाएंगे, और पूरी दुनिया में हाहाकार हो जाएगा, और कोई समझ नहीं पाएगा ये क्या हुआ, क्योंकि पल भर में ही लोग गायब हो जाएंगे।
और कोई भी दिखाई नहीं देगा, और दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट है वो घबरा जाएगी और परेशान हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और दुनिया में जितने लोग हैं वो सारी गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, वो हाहाकार करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को लगेगा कि एलियंस आए और लोगों को उठा कर ले गए, एलियंस आए लोगों को उठा कर ले गए, उनको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या हुआ। नासा की सैटेलाइट लोगों को ढूंढ रही होगी पूरी दुनिया में, कहां पर है कहां पर है। अमेरिका की सैटेलाइट ढूंढ रही होगी लोग कहां पर है, और कोई भी नहीं पता कर पाएगा। लोग फोन करेंगे अपने रिश्तेदारों को कहां पर है, लेकिन उनका नंबर नहीं लगेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा लोगों को यह क्या हुआ, क्योंकि लोग उठा लिए जाएंगे। इस पूरी दुनिया में सब कुछ तराई तराई हो जाएगा, कुछ भी कंट्रोल में नहीं होगा, लोगों के सहने से बाहर हो जाएगा, वो समय आने वाला है, और ये समय जैसे आरंभ होगा, आरंभ होने से पहले ही ये काम होगा, और जितने मसीह लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। आज आपको समझना पड़ेगा ये स्वर्गारोहण, ये रैप्चर पहली बार नहीं है कि बाइबल में बताया गया है, इससे पहले भी 6 प्रकार के स्वर्गारोहण हो चुके हैं, 6 प्रकार के स्वर्गारोहण हो चुके हैं। पहला स्वर्गारोहण जो हुआ था, यानी रैप्चर हुआ था, वो हनोक का हुआ था। सबसे पहले हनोक का रैप्चर हुआ था, हनोक को उठा लिया गया था। उसके बाद जो अगला रैप्चर हुआ वो एलियाह का हुआ था, अग्नि में रथ आए और उसको उठा कर ले गए, एलियाह का रैप्चर हुआ। उसके बाद जो रैप्चर हुआ यीशु मसीह का हुआ, यीशु मसीह आए और वो उठा लिए गए स्वर्ग में। उसके बाद जो अगला रैप्चर हुआ, ये पवित्र लोग वो थे जो यीशु के जिंदा होते ही कब्रों में से बाहर निकल गए थे और यरूशलेम में और पवित्र नगर में लोगों को दिखाई दिए थे। बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं ये भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए गए थे। उसके बाद जो अगला बताया गया है बाइबल में, वो बताया गया है कलीसिया का रैप्चर, कि कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया का रैप्चर होगा। उसके बाद जो बताया गया है अंत में, वो 2 गवाहों के विषय में जिनका रैप्चर होगा, जो प्रकाशित वाक्य में जिक्र है, वो 2 गवाह हैं जो उठा लिए जाएंगे। यानी बाइबल में 6 प्रकार का रैप्चर बताया गया है। ये कोई नई शिक्षा नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही होता आ रहा था, और वही रैप्चर जो है जहां पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया, क्योंकि सारी घटनाएं घटने वाली थी, ये सारी घटनाएं घटने वाली थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, प्रभु यीशु मसीह से भी पूछा गया, ये कब होगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस विषय में बहुत कुछ बताया, इसके बारे में समझाया। उसके लिए खोलेंगे हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 उसके पद 26 से पढ़े 27 तक क्या लिखा है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया यहाँ पर ये कब होगा। लिखा है जैसे नूह के दिनों में लोग खाया पिया करते थे और उनमें शादी विवाह होते थे, और वो बड़े ही चिंता मुक्त थे, उनको चिंता ही नहीं थी, क्योंकि नूह के द्वारा परमेश्वर ने बार बार उनको प्रचार कराया, लेकिन उन्होंने नहीं यकीन किया। ऐसे ही मसीह लोगों को लोग कहते काल्पनिक बात है इनकी, मसीह लोगों की इस बात को जो अन्य जाति लोग हैं कहते काल्पनिक जीवन जी रहे हैं मसीह, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे नूह के दिनों में भी नूह कहता रहा, लोगों ने यकीन नहीं किया। कब तक यकीन नहीं किया? जब तक नूह उसका परिवार जहाज में नहीं चढ़ गया, और जैसे ही जहाज में चढ़ा वैसे ही जल प्रलय हो गया और पूरी तौर से उस संसार में त्राही त्राही होगी और सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वैसे ही वो दिन होगा जिस दिन रैप्चर होगा, वो दिन होगा बताया गया प्रभु ने, जैसे नूह के जहाज में लोग चले गए, उसके बाद पूरी तौर से इस जगत में जल प्रलय हुआ, जल प्रलय ने आके सबको नष्ट कर दिया, वैसे ही पहले कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद इस पूरे संसार में त्राही त्राही हो जाएगा, इस संसार में महाकलेश आएगा, ये संसार के लोग उस महाकलेश को सह नहीं पाएंगे, इतना भयंकर कलेश आने वाला है संसार में। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा पहले ही, जैसे परमेश्वर नूह उसके परिवार को बचा लिया, वैसे परमेश्वर सच्चे मसीहों को उठा लेगा, बचा लेगा। उसके बाद प्रभु ने एक उदाहरण और दिया, इसके लूका के 17:28-30 तक पढ़े क्या लिखा है। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन-देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। प्रभु ने दूसरा उदाहरण देके भी समझाया कि लूत के दिनों में भी ऐसा ही था। लूत जो अब्राहम का भतीजा था, परमेश्वर ने जब तक लूत को और उसके परिवार को वहां से निकाल नहीं दिया, तब तक सदोम और अमोरा पर
आकाश से गंधक नहीं बरसी, सदोम और अमोरा नष्ट नहीं हुआ, वैसे ही परमेश्वर कह रहा मैं अपने लोगों को पहले उठा लूंगा, मैं अपने लोगों को उठा लूंगा, उसके बाद इस जगत पर भयंकर विपत्तियां आएंगी जो ये जगत सह नहीं पाएगा, उनके सहने से बाहर होगी। क्योंकि लूत के दिनों में लोग लेन देन कर रहे थे, खा पी रहे थे, वैसे ही लोग इस पृथ्वी पर लेन देन कर रहे होंगे। मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं, मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं बंगला खरीद लूं, मैं ये बिजनेस कर लूं, मैं ये कर लूं, वो सब व्यस्त होंगे। उनको पता ही नहीं होगा इस जगत में क्या होने वाला है, इस जगत में क्या घटने वाला है, उनको पता ही नहीं होगा। और अचानक से परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग उठा लेगा, वो अचानक से उठा लेगा, उसके लोग यहां पर नहीं दिखाई देंगे, और वो होंगे पहला फल जो सच्चे मसीह हैं, सच्चे जो मसीह होंगे वही उठाए जाएंगे। उसके बाद आगे और पढ़े क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया, लूका उसके 17 के 34 से लेकर 36 तक पढ़े। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बता दिया जो स्वर्ग उठाए जाएंगे छटाई होगी उनमें, सभी मसीह स्वर्ग नहीं जाएंगे, केवल सच्चे मसीह ही स्वर्ग जाएंगे, जो रैप्चर के समय जाएंगे वो सच्चे मसीह ही स्वर्ग जाएंगे। यहाँ पर बताया प्रभु ने, लिखा है वचन में, प्रभु ने बोला यहाँ पर कि दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी, यानी दो स्त्रियां नर्स का काम कर रही होंगी, एक उठा ली जाएगी एक छोड़ दी जाएगी, दो स्त्रियां स्कूल में पढ़ा रही होंगी, एक उठा ली जाएगी एक छोड़ दी जाएगी, ऐसे ही होगा। दो व्यक्ति एक जगह पे जॉब कर रहे होंगे और एक उठा लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा, ऐसा वो समय आएगा, इकट्ठे सारे लोग नहीं जाएंगे। और बाइबल स्कॉलर्स जो बताते हैं वो इस वचन के विषय में बताते हैं गहराई से कि जो लोग उठा लिए जाएंगे और छोड़ दिए जाएंगे, जो जिक्र है दो लोगों का, वो परिवार के लोग ही बताए गए हैं, परिवार के लोग ही हैं, माता होगी और बेटी होगी, माता उठा ली जाएगी बेटी छोड़ दी जाएगी, क्योंकि बेटी तैयार ही नहीं होगी, बेटी उठा ली जाएगी माता छोड़ दी जाएगी क्योंकि वो तैयार ही नहीं होगी, पति उठा लिया जाएगा पत्नी छोड़ दी जाएगी क्योंकि वो तैयार ही नहीं होंगे, ऐसा बोला गया है। और वो समय जो होगा बड़ा भयंकर समय होगा, और उस समय लोग रोएंगे और कुछ नहीं रोएंगे, प्रभु ने साफ बोल दिया ऐसा होगा। तो चेलों ने प्रभु से सवाल किया, प्रभु अब मुझे बताओ ये कहां होगा, चेलों ने ये नहीं बोला कब होगा, यहां पे जो चेलों ने सवाल किया उन्होंने बोला प्रभु ये कहां होगा, पढ़े उसके 37 को क्या लिखा है। यीशु ने उससे पूछा प्रभु यह कहां होगा, उसने उनसे कहा जहां लोथ है वहां के दिखते होंगे। हालेलुया। प्रभु ने यहां पर बोला यह सुन लो, उनसे पूछा है प्रभु यह कहां होगा, उसने उनसे कहा जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। गिद्ध के अंदर परमेश्वर ने एक नेचर में ही उसके एक क्वालिटी डाली है, वो क्या डाली है, शहर के बाहर अगर कहीं पर लोथ पड़ी होती है तो गिद्ध को कोई SMS नहीं करता, गिद्ध भाई साहब पहुंच जाओ, कोई SMS नहीं करता, कोई फोन नहीं करता, कोई व्हाट्सएप नहीं करता, कोई लेटर नहीं भेजता, उनको अंदर ही उनके अंदर ये ऐसे सेंसर है, ऐसी चीज, ऐसी प्राकृतिक परमेश्वर ने उनको ये विशेषता दी है, उनको पता लग जाता है और लोथ के पास सारे गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही ये होगा, वैसे ही होगा, लेकिन बाइबल में एक जगह पे क्लियर किया गया है वो कौन सी जगह होगी, कहां पर होगा, जहां पर सारे लोग उठा लिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 उसके पद 1 में लिखे, एक में पढ़े क्या लिखा है। हालेलुया। लिखा है वचन में सियोन पहाड़ पर, सियोन पहाड़ पर, यानी पूरी तौर से यीशु मसीह जो आएगा इस दुनिया का जो सेंटर पॉइंट है और जहां से यीशु उठाया गया, यरूशलेम में, यरूशलेम के आसमान में ही यीशु लोगों को उठा लेगा, यरूशलेम में ही उठा लेगा, यहां से लोग पल भर में गायब हो जाएंगे, सब के सब वहीं पर मिलेंगे यीशु को। यरूशलेम का जो आसमान होगा वहीं पर सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे और वहीं से प्रभु के साथ चले जाएंगे, वहीं से प्रभु के साथ चले जाएंगे, ये चीज बताई गई है। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर जो क्लियर बताया गया है इस रैप्चर के विषय में, प्रभु ने बता दिया कि रैप्चर के दिन एक उठा लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। आज आपको अपने जीवन के विषय में चिंता करने की आवश्यकता है, क्या आपका जीवन पूरी पवित्रता का है, क्या आपका जीवन पूरी तौर से आत्मिक है, क्योंकि ये होने में बहुत समय नहीं है, ये बहुत जल्द ये घटना घटने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया में बाइबल की लिखी हुई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, बाइबल की लिखी हुई हर एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है, और हम जगत के अंतिम समय के भी अंतिम समय में चल रहे हैं, बिल्कुल एंड फेज में है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्या प्रभु यीशु मसीह जो आ रहा है यह प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग है, नहीं, यह प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग नहीं है।
रैप्चर में बताया गया है कि बादलों पर यीशु मसीह बादलों पर हमें उठा लेगा। ये दूसरा आगमन नहीं है यीशु का। मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि फिर नंगा ना रह फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हालेलुया। अब यहाँ पर जो रैप्चर के विषय में बताया, रैप्चर में क्या है, प्रभु चोर के समान आएगा। वो चोर, ये सेकंड कमिंग नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह आएगा रैप्चर में, वो चोर के समान आएगा। खुद प्रभु ने कहा, मैं अचानक से आ जाऊंगा, मनुष्य का पुत्र अचानक से प्रकट हो जाएगा। रैप्चर में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो अचानक से आएगा, किसी को पता नहीं लगेगा और कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। और पौलुस से जब पूछा गया कितना समय लगेगा इस चीज में, कलीसिया के लोगों ने पूछा होगा, तो पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15:52 में बोला, ये पल भर में होगा। कैसे होगा? पल भर में, पलक झपकते ही। 1 घंटा नहीं लगेगा, 4 घंटे नहीं लगेंगे, 1 दिन नहीं लगेगा। जितनी सेकंड्स में आप पलक झपकते हो, यानी पल भर में, पलक झपकने से भी पहले, पलक झपकने से भी पहले आप बैठे होगे डाइनिंग टेबल पे, खाना खा रहे होगे, आपकी पत्नी पलक झपकते गायब, और आप देखोगे सामने से गायब हो गई, आपका पति गायब, और आप कहोगे ये क्या हुआ। वो पल भर में, सेकंड्स में गायब हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, वो वहां पर दिखाई नहीं देंगे। और आप रोओगे और भिलकोगे और परेशान हो जाओगे, हम क्या करें। आज समय है आज हमारे पास कि हम इस चीज की गंभीरता को समझें। इसमें कोई 4 दिन नहीं लगेंगे, 2 दिन नहीं लगेगा, पल भर में, सेकंड्स में, क्योंकि प्रभु रैप्चर के समय पर चोर के समान आएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। हम बादलों पर मिलेंगे यीशु मसीह से, क्योंकि रैप्चर के विषय में बताया गया हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह पृथ्वी पर, जमीन पर नहीं आएगा, हम बादलों में ही उठा लिए जाएंगे, पल भर में, सेकंड्स में। उसके बाद आगे एक चीज और पढ़े, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:7 में क्या लिखा है। यह यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के विषय में लिखा हुआ है। यहां पर दूसरा आगमन कैसा होगा, पढ़े। देखो मैं बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हां आमीन। हालेलुया। ये यीशु का सेकंड कमिंग है। रैप्चर में प्रभु आएगा, गुप्त रीति से आएगा और सबको उठा के ले जाएगा। लेकिन जब प्रभु सेकंड कमिंग में आएगा तो दुनिया की हर एक आंख उसको देखेगी। ये दूसरे आगमन में होगा, सेकंड कमिंग में दुनिया की हर एक आंख उसको देखेगी। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा से, तो वहां पे वचन में लिखा है कि हर एक आंख उसको देखेगी। लेकिन जब रैप्चर के विषय में बताया गया, तो पौलुस नहीं बोला हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, पल भर में हम उठा ली जाएंगे। और जब इसके विषय में हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-18 में, तो वहां लिखा है कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और यीशु ने कहा मैं चोर के समान आऊंगा। रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा और लोगों को उठा के ले जाएगा, वो गायब हो जाएंगे। अब यीशु मसीह 2 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह 2 बार स्वर्ग गया। यीशु मसीह 2 बार स्वर्ग गया, वो 1 बार स्वर्ग नहीं गया, वो 2 बार स्वर्ग गया। इसीलिए यहां पर लिखा है कि वो जो आएगा वो गुप्त रीति से आएगा, चोर के समान, और उठा के ले जाएगा, लोगों को ले जाएगा उठा के। और ये पहले फल होंगे जिसके विषय में बताया गया है, सच्चे मसीह होंगे, आत्मिक मसीह होंगे, जो उठा लिए जाएंगे स्वर्ग। अब यीशु मसीह के बारे में एक चीज और बताएगी, जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह जो है वो 2 बार स्वर्ग गया, जिसके लिए पहला वचन पढ़े, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ था, उसके बारे में यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 20:17 को पढ़े, क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मरियम को क्या बोला, मरियम को बोला मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गुप्त रीति से स्वर्ग गया था, यहां पर प्रभु यीशु मसीह गुप्त रीति से स्वर्ग गया था। यहां पर प्रभु ने इसीलिए मरियम को मना कर दिया मुझे मत छू, वो गुप्त रीति से स्वर्ग उठाया गया। यहां पर कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रभु ने खुद बयान किया मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। यानी मरियम के मिलने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग गया, वहां पर स्वर्ग में वो गया पिता के पास। और एक चीज और हम पढ़ते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में बयान किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसके बीच में कहां गया। हमने बताया जैसे यीशु मसीह जब मरियम से मिला, मिलने के बाद यीशु मसीह जो है उसके बाद अपने चेलों से मिला, और उसके बाद वो स्वर्ग उठा लिया गया। इस बीच में यीशु 7 दिन किसी से नहीं मिला, और 8वें दिन वो उतर के वापस आया मिलने के लिए। यूहन्ना उसके अध्याय 20:26 को पढ़े, क्या लिखा, 20:26 अध्याय 20:26 को पढ़े। 8 दिन के बाद उसके चेले उतर के निकले
हालेलुया। अब यीशु मसीह जो है वहां पर मरियम को मना करके अपने चेलों से मिलके उसके बाद वो स्वर्ग उठा लिया गया। बाइबल स्कॉलर कहते हैं वो 7 दिन तक स्वर्ग में पिता के पास गया, ये गुप्त रीति से स्वर्ग में गया। वैसे यीशु मसीह गुप्त रीति से इस पृथ्वी पर आएगा, और जब ये गुप्त रीति से इस बार आएगा तो कलीसिया को उठा के ले जाएगा, कलीसिया को उठा के ले जाएगा, और इस बार कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन जब दूसरी बार यीशु आएगा तो पूरा विश्व उसको देखेगा, पूरा विश्व उसको देखेगा। और जैसे 7 दिन बाद यीशु मिला अपने चेलों को, वैसे 7 साल का महाकलेश आएगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी स्वर्ग में। और उसके बाद जब 7वां साल कंप्लीट होगा फिर यीशु मसीह 8वें साल में इस पृथ्वी पर आएगा। और इस बार जब यीशु आएगा तो यीशु न्याय करने आएगा, यीशु मसीह न्याय करने आएगा। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में लिखा है वो एक ऐसे स्थान पे आएगा यरूशलेम में जहां पर वो दुनिया की सारी सेना से युद्ध लड़ेगा, दुनिया की सारी सेना से युद्ध लड़ेगा। यीशु मसीह जो सेकंड टाइम में आएगा वो यीशु का सेकंड कमिंग है, वो दूसरा आगमन है। और जो चीज हमने जानी जब रैप्चर होगा तो रैप्चर में कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। जैसे यीशु मसीह गुप्त रीति से स्वर्ग गया वैसे गुप्त रीति से लोग उठा लिए जाएंगे। पूरी दुनिया में हाहाकार हो जाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। ये दुनिया की गवर्नमेंट यूट्यूब बैन कर देगी, ट्विटर बैन कर देगी, गूगल बैन कर देगी, सब कुछ बैन कर देगी, और सब जगह कर्फ्यू लग जाएगा क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। लेकिन मसीह लोग जानते हैं ये क्या है, वो रैप्चर का समय है जब कलीसिया उठा ली जाएगी। और केवल सच्चे विश्वासी है जो उठा लिए जाएंगे, सच्चे विश्वासी है जो उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो बच जाएंगे उनका क्या होगा, जो विश्वासी तैयार नहीं है, जो तैयार नहीं है, जिनका जीवन तैयार नहीं है, उनका क्या होगा, इसके विषय में एक वचन खोले, चलिए खोले मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 उसके 32 से लेकर 31 तक पढ़े क्या लिखा है। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सारे कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह दूरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। अब अपने जरा रैप्चर में तो हम उठा लिए जाएंगे, रैप्चर में हमने सुना कि रैप्चर में हम लोग जो है पहला जो प्रभु का आगमन होगा उसमें हम आकाश में उठा लिए जाएंगे प्रभु के साथ। लेकिन जब प्रभु सेकंड कमिंग में आएगा अपने दूतों के साथ अपनी सेना के साथ तो उस समय लिखा है स्वर्गदूत जाएंगे इस पृथ्वी के चारों दिशाओं में और चुने हुए के यानी जो बचे हुए लोग हैं जो रैप्चर में उठाई नहीं जाएंगे, जो 7 साल के महाकलेश में भी प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, जो जिन्होंने अपने पश्चाताप किया, अपने जीवन को तैयार किया, ये वो लोग चुने हुए हैं जिनको स्वर्गदूत ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करेंगे। ये वो लोग हैं जो रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे, जो छूट जाएंगे। दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह आएगा इस जगत में तो स्वर्गदूत उन चुने हुए को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करेंगे, ये वचन बताता है। इसीलिए आज विश्वासियों के पास मौका है कि हमें पहली बार में उठाया जाना है, नहीं तो संसार में वो महाकलेश आने वाला है जो सहने से बाहर होगा। और बाइबल बताती है वो ऐसा महाकलेश होगा जो इस पृथ्वी पर आज तक नहीं आया, जो इस पृथ्वी पर आज तक नहीं आया, जो बीमारियां आज तक नहीं, इतनी भयंकर बीमारियां होंगी, इतनी भयंकर परेशानियां होंगी, इतना दुख, इतना तकलीफ। और वचन लिखा लोगों का जी में जी नहीं रहेगा, लोगों का जी में जी नहीं रहेगा। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है उनका हार्ट फेल हो जाएगा, उनका हार्ट फेल हो जाएगा। और आज के समय भी अगर गूगल पे आप सर्च करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से ही मर रहे हैं, हार्ट अटैक से ही मर रहे हैं। और उस समय जब ऐसा ही होगा उनके जी में जी नहीं रहेगा, हार्ट अटैक होने शुरू हो जाएंगे और लोग मरने शुरू हो जाएंगे। क्यों? उस समय कोई उपाय नहीं होगा, कोई उपाय नहीं होगा। इसीलिए आज यदि अपने जीवन को आप तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, तो पहला फल होने के लिए आप उठाए जाएंगे। क्योंकि पौलुस ने भी बोला पहला फल मसीह है, उसके बाद हम लोग हैं, हम उठाए जाएंगे। अगर अपने जीवन को हमने तैयार किया कलीसिया उठा ली जाएगी, नहीं तो बाद में जो छूट जाएंगे वो 7 साल का महाकलेश झेलेंगे। जैसे यीशु गुप्त रीति से स्वर्ग उठा लिया गया वैसे गुप्त रीति से हम सबको उठा लेगा वो। और दूसरी बार जब यीशु आया 8वें दिन मिलने के लिए, वैसे 7 साल के महाकलेश के बाद यीशु मसीह आएगा, उन चुने हुओं को स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे और वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे।
हालेलुया। तो आज के वचन से, आज के प्रचार से परमेश्वर ने हमें इस विषय में समझा दिया कि रैप्चर होने वाला है। और रैप्चर कोई नई शिक्षा नहीं है, प्राचीन काल से ही। और जो पर्व था, परमेश्वर का पर्व था, पहली उपज का पर्व, उस पर्व की जो विधि थी, उस विधि के रूप में ही इसकी प्रोफेसी हो चुकी थी, इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। इसीलिए आज जो अपने आप को तैयार करेंगे, जो मसीह अपने जीवन को रेडी करेंगे, और जो प्रभु में सो चुके हैं, धार्मिकता का जीवन जीते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए, उसके पीछे चलते हुए, वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। और जो बचे हुए लोग हैं वो स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आज समय आपके पास है, इस समय की वैल्यूज को समझे, इस समय की अहमियत को समझे, नहीं तो बाद में परेशान और रोना होगा। आज हमने जाना कि गुप्त रीति से प्रभु आएगा और उठा लिया जाएगा, और यीशु को कोई नहीं देखेगा। जो गुप्त रीति से प्रभु उठा के ले जाएगा, कोई नहीं देखेगा। पल भर में, क्षण भर में लोग उठा लिए जाएंगे, यरूशलेम के आसमान में सारे उठा लिए जाएंगे। चाहे आप अमेरिका में रहते हो, आप लंदन में रहते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको उठा लेगी और सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लिखा है, जहां लोथ होगी किद भी वहीं इकट्ठे होंगे, जहां यीशु मसीह होगा वहीं पे प्रभु के लोग होंगे, और वो सारे स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। और इस पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मच जाएगा, त्राई त्राई हो जाएगी इस पृथ्वी पे, लोगों को समझ नहीं आएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, रोएंगे और भिलकेंगे। और जो नासा के साइंटिस्ट है वो इस खोज में लग जाएंगे, एलियंस आए और लोगों को उठा के ले गए, उनको समझ नहीं आएगा ये क्या हुआ। लेकिन बाइबल हमें बताती है ये होने वाला है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। जो हमने सोचा भी नहीं उतनी जल्द ये समय आने वाला है। इसीलिए अपने जीवन को तैयार करें ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ पहली फसल, पहली उपज के रूप में स्वर्ग जाने पाए, नहीं तो बाद में वो महाकलेश झेलना पड़ेगा। और उसके बाद केवल चुने हुए जो उस कल महाकलेश में भी परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे, ऑनेस्ट रहे, वो लोग चुने हुए ही उठाए जाएंगे, नहीं तो सब छूट जाएंगे। और इस संसार की विपत्ति और परेशानियों में दुखी हो जाएंगे, और अनंत काल के लिए उस आग में, उस विनाश की आग में डाले जाएंगे जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार करी है जो परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते, जो शैतान के लिए तैयार करी है, और जो शैतान के पीछे चल रहे हैं वो सब उसी आग में डाले जाएंगे। तो आज के वचन से परमेश्वर ने हमें समझा दिया कि कलीसियाओं की कितनी अहमियत है, कलीसियाओं की कितनी इंपॉर्टेंस है परमेश्वर की दृष्टि में, कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया पहले ही उठाई जाए और वो बच जाए। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह।